हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा वीडियो है वो एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं वो किस तरह हम सीमेंस विडा 3 टेस्ट लगभग करते हैं, इस वीडियो में वो हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जहाँ पर भी नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। जैसे कि आपको पता है कि सीमेंस विडा 3 टेस्ट जो कि अभी सीमेंस का लेटेस्ट मॉडल है, और आने वाले टाइम में लगभग सीमेंस का हर जगह यही मॉडल है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होगा। कहीं पर भी आप अगर जाते हो इस मॉडल पर तो आपको ज़रूर फायदे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस पेशेंट में स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रखा हो उस पेशेंट को जस्ट राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करने के बाद में असाइंड वर्कफ्लो विद एमआर स्पेक्ट्रो, बहुत इजी ट्रिक है, बट नया सिस्टम है इसलिए ये सारी चीज़ें बताना जरूरी है। असाइंड वर्कफ्लो विद एमआर स्पेक्ट्रो, जस्ट इसके साथ असाइन करके एमआर स्पेक्ट्रो के साथ क्लिक करने के बाद पेशेंट के पर डबल क्लिक करेंगे तो हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी के फॉर्मेट में ये ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत इजी ट्रिक है लेकिन ये नया वर्जन है इसलिए ये सीखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अभी नई जानकारी है क्योंकि लगभग सीमेंस के सारे ओल्ड मॉडल ही चल रहे हैं, लेकिन नए ये नया वर्जन है सीमेंस का, तो इसमें ये सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से होने लगी, तो बहुत ईजी है। जस्ट हमने असाइंड वर्कफ्लो विद एमआर स्पेक्ट्रो किया और पेशेंट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद में ये इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा है, इस तरह फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। करेक्ट, इसके बाद में आप देख सकते हैं आपको जहां पर भी आपको स्पेक्ट्रो देखना है सिंगल क्लिक करो, आपको मीन कर्व शो हो जाएगा। जहां देखना है आपको, ट्यूमर पे देखना है, नॉर्मल टिश्यू पे देखना है, यहां पर कोलिन पीक है, यहां क्रिएटिनिन है, एन एसिटाइल है, और इसकी जो डिटेल्स है जैसे कि एन एसिटाइल और कोलिन का जो है वो उनका वैल्यू आ रहा है परसेंटेज में और इसमें, तो हर एक स्पेक्ट्रो जहाँ पर भी आपने वॉक्सल लगा रखा है वहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट जगह पे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देख सकते हैं, और इस फॉर्मेट को आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस फॉर्मेट में आपको सेव चाहिए तो आप सेव भी कर सकते हैं। फर्स्ट मैं ये जो रेफरेंस लाइन है उनको मैं हाइड करना चाहूँगा, तो हाइड कर लिया। अब जैसे कि आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रो देखना है तो इसका कोलिन पीक है, ये है, एन एस आर है, सारी वैल्यू आपको बहुत इजी वे में दे चुका है। इसके बाद में आपको इसका अगर सेव करना है तो आप नीचे जाके जस्ट प्रिंट इमेज करेंगे तो ये इमेज आपको सेव मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लास्ट में जब आप पेशेंट को क्लोज करोगे तो ये आपको सेव मिल जाएगा, या आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। स्नैपशॉट लेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, इसके बारे में पूरे डिटेल। और अगर आपको चाहिए कि इमेज किस तरह से सेव करना है, प्रिंट लेआउट के साथ करना है, प्रिंट इमेज के साथ, तो ये सारे डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिफरेंट वॉक्सल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस जगह क्रिएटिनिन या कोलिन, जो भी आपको पीक देखना है, जिसका वैल्यू देखना है, सारा आपको बॉक्स में मिल जाएगा। और जब आप इसको क्लोज करते वक्त सेव करेंगे तो जितने भी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सेव मिल जाएगी।